अस्सलामवालेकुम दोस्तों को पाँच जनर भाई निर्माण कथा के बारे में कहते हैं। आज हम मनी प्लांट पर बात करने आए हैं। मनी प्लांट के देखें, हमारे पास ये सामने पॉट पड़े हुए हैं मनी प्लांट के। ये छोटे छोटे पॉट हैं, ये कप होते हैं छोटे छोटे। उनमें हमने ये मनी प्लांट की कलमें गो की थी, हमने 28 कलमें गो की। 28 कलमें टाइम चल पड़ी हैं हमारी, लेकिन हम आपको बस अभी 5 कलमें शो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बाकी कलमें में भी शो कर देता हूँ थोड़ी बाद। ये देखेंगे कि गोद बहुत अच्छी चली है। क्यों चली है, आज मैं आपको ओकती का शो करने आया हूँ। देखें, कभी आपने मनी प्लांट गो करना हो, उसकी कलम गो करनी हो, एक बात मेरी याद रखिएगा, उसको पहले पानी में आपने गो करना है। ये बात है, टोटल पूरा प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, पहले मेरे चैनल में वीडियो जो है आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसको पहले आपने पानी में करना है, उसका आपने कम से कम 3 दिन बाद आपने उसका पानी चेंज करना है, और कम से कम आपने उसको 21 दिन पानी के अंदर रखना है। 21 दिन पानी में रखने का, पानी में चल जाए, उसके पत्ते निकलने लग जाए, उसके बाद आपने उसको मिट्टी में शिफ्ट करना है। कैसे करना है, 60% सड़ा हुआ गोबर हो और 40% आम गार्डन की मिट्टी हो, नहीं तो बल वाली मिट्टी आम गार्डन की मिट्टी होती है। उसको आपने दोनों को रेशों को लेकर आपने मिक्स करना है, 100% रेशो हो जाएगी और आपकी मिट्टी बतार हो जाएगी। उनको आपने अपने किसमें आपने को करना है, कलमों को उसमें आप भर लें, मिट्टी को भरने के बाद उसमें आप कलमें को कर दें। मैंने यही तरीका यूज़ किया है। मैंने ये छोटे कप लिए हैं, ये देख लें, छोटे कप है मेरे पास, ये इसमें एस्की माती करती थी, ये देख लें, ये कप है, ये देख लें इसकी गोद, आप देख लें बहुत अच्छी गोद की जा रही है। ये आप हर पौधा देख सकते हैं, हर पौधे की गोद देख लें आपके सामने, देख लें। पानी इनको मैं बस दिन में एक टाइम दे रहा हूँ, इनको मैंने छाँव में रखा हुआ है, धूप सनलाइट उसको मैंने दे रहा हूँ। खाद इनको मैं अभी नहीं दे रहा क्योंकि अभी काफ़ी छोटे हैं, इनको खाद मैंने मिट्टी के अंदर मिक्स करके दे दी है, बस वही बहुत है इनकी। अभी ये और बड़े हो जाएं, कम से कम 4-5 लीप और आ जाएं, तो उसके बाद हम इनको बड़े पोटों में शिफ्ट कर देंगे। मैं चले आपको बाकी पोट इसके शो कर देता हूँ इसके। ये देखें इसके बाकी सारे पोट आप देख सकते हैं। ये देखें कलमें चली हुई हैं, देख लें आपके सामने। मैंने गलत बात आपसे नहीं की, मैंने टोटल 28 पौधे टाइम को किए हैं, 28 पौधे टाइम मेरे पास चले हुए हैं। ये देख लें, कुछ की शाखें झुक चुकी हैं लेकिन चले सब हुए हैं आपके सामने, देख लें। चले मैम, आप वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देख लें, हमने आपको शो कर दिए अपने पौधे, और यही पौधे शो कर दिए आपको। हमारा मकसद आपको ये था, आपको हम सिखाएं, आप ये काम कर सकते हैं अपने घर में, बहुत शांति का भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं पिछले 4-5 साल से ये कर रहा हूँ, बहुत आसान काम है, कोई इसको केयर नहीं चाहिए। बस एक बार याद रखिएगा, इसको पानी वाले में बस केयर चाहिए, मिट्टी में कभी लग जाएगा उसके बाद आपको केयर नहीं करनी। फिर आपने हर 14 दिन बाद 15 दिन बाद इसकी केयर करनी है। बात सीधी है, इसे धूप में नहीं रखना, इसे सनलाइट देनी नहीं है आपने। सर्दियों में सनलाइट इसको मिले तो बेहतर होगा, लेकिन गर्मियों में आपने इसको देनी नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में सनलाइट में ये ख़त्म हो जाएगा आपको, ये बात याद रखिएगा। चलें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।